इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आईपीएस यादव, आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। क्या मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा कमजोरी और कायरता की निशानी है? आचार्य रजनीश तो ऐसा ही कहते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है। जब तक तुम दूसरे को पकड़े हो तब तक अपने आप को नहीं जान सकते। मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा अपने प्रति अविश्वास, कमजोरी और कायरता की निशानी है, कहते हैं आचार्य रजनीश। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति कभी मत बनाना, मुझे कभी पूजना मत, लेकिन आज सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की ही बनी हुई हैं। मूर्ति पूजक कहते हैं कि मूर्ति पूजा धर्म की राह को सरल बनाती है, मन की एकाग्रता और चित्त स्थिर करने में सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करने से मन में विश्वास और खुशी का एहसास होता है, और इस विश्वास और खुशी के कारण ही मनोकामना की पूर्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा ही जीवन में सफलता का आधार है। महान दार्शनिक और आचार्य रजनीश कहते हैं कि मूर्ति पूजा या व्यक्ति पूजा कमजोरी ही नहीं बल्कि कायरता की भी निशानी है। आपने देखा होगा कि जब से यह सेल्फी मोबाइल आया है तब से यह कुछ ज्यादा ही व्यक्ति पूजा होने लगी है, और आज समाज में जो अंधभक्त पैदा हो गए हैं, जो अपने राजनेताओं और धर्मगुरुओं को जिस तरह से पूजते हैं, ओशो का यह कथन उनके लिए एकदम फिट बैठता है। यही नहीं, महान मानवतावादी और तर्कशील लेखक अमर स्नेह तो यहां तक कहते हैं कि विवेक बुद्धि तर्कशीलता ही जीवन का आधार है, और अगर कोई आंख मूंद कर किसी का अनुसरण करता है तो वह ना सिर्फ खुद को बल्कि समाज को भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और अहंकार और मौत के कुएं में धकेल रहा होता है। वैज्ञानिक सोच वाला तार्किक लोगों का होना ही स्वस्थ समाज की निशानी है, और वहीं अंधभक्त और गोबर गणेश बुद्धि वाले लोग मृत चेतना वाला मरा हुआ समाज ही पैदा कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति बनाकर मुझे पूजना मत, लेकिन आज सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की बनी हुई हैं। उर्दू में तो बुद्ध शब्द बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध का मतलब ही हो गया मूर्ति। बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध का मतलब ही मूर्ति हो गया। एक एक मंदिर में 10-10 हजार बुद्ध की मूर्तियां हैं। आपको पता होगा चीन में तो एक मंदिर ही है जिसमें 10,000 मूर्तियां हैं, और उसको 10,000 मूर्तियां वाला मंदिर कहते हैं। उसमें बुद्ध की 10,000 मूर्तियां हैं, और बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा मत करना। तो कैसे हैं हमारे लोग? ओशो कहते हैं लोग बड़े अजीब हैं। जो हमसे कहते हैं कि मेरी पूजा मत करना, हम उसे और जोर से पकड़ लेते हैं कि बहुत प्यारा आदमी था, कहीं भाग न जाए, कहीं छूट न जाए। तो यह जो हमारी आदत है, जो शब्दों को व्यक्तियों को पकड़ लेने की, इस आदत ने हमें गुलाम बना दिया है। और अगर पुराने आदमी छूट जाते हैं तो हम नए पैदा कर लेते हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं उनका पीछा करना। अगर महावीर और बुद्ध थोड़े छूट गए हैं तो कृष्ण और राम थोड़े दूर पड़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम किसी और को पकड़ लेंगे, हम किसी गांधी को पैदा कर लेंगे, किसी साईं बाबा को पकड़ लेंगे, लेकिन हमें पकड़ने को कोई न कोई चाहिए, और हम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वही आदमी अपने को आदमी कहने का हकदार है जो सबको छोड़कर खुद को पकड़कर खड़ा हो जाता है। सबको जो छोड़ देता है वही खुद को पकड़ सकता है। खुद को पकड़ने का क्या मतलब है? ओशो कहते हैं ध्यान रहे, जो दूसरों को पकड़ता है उसकी अपने ऊपर स्वयं पर कोई श्रद्धा नहीं होती है, और जो दूसरों को पकड़ता है, जो अपने प्रति अश्रद्धावान हो जाता है, खुद को पकड़ने का क्या मतलब है?
खुद को जितना कमजोर पाता है वह उतना ही दूसरों को पकड़कर मजबूती का अनुभव करता है। खुद के प्रति जो अश्रद्धा है, जो अविश्वास है, वही दूसरों के प्रति श्रद्धा बन जाती है। तो जो व्यक्ति खुद के प्रति अविश्वास, आस्था और श्रद्धावान है, वह आदमी कभी किसी को नहीं पकड़ता है। ओशो कहते हैं कि जो आदमी अपने को ही नहीं पकड़ पाता है, वह दूसरों को कैसे पकड़ पाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। जिसका अपने ही ऊपर कोई वश नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, वह दूसरों को कैसे वश में कर पाएगा, दूसरों पर कैसे भरोसा कर पाएगा? जिसे अपना कोई सुराग नहीं है, अपना ही कुछ पता नहीं है, वह महावीर और बुद्ध की धूल पर बने हुए चिन्हों को पकड़कर बैठ जाता है, तो उसे क्या मिल जाएगा? जाहिर है, पहले अपने आप को समझना, जानना जरूरी है, न कि दूसरे पर भरोसा करना। और अपने को जानने के लिए अपने ऊपर भरोसा आवश्यक है। उसको आगे कहते हैं, स्वयं पर श्रद्धा धर्म है, दूसरों पर श्रद्धा अधर्म है और गुलामी है, कमजोरी और कायरता है। जो दूसरों पर श्रद्धा करता है वह स्वयं पर अश्रद्धा करता है। स्वयं के पास परमात्मा ने वह सब दिया है जो किसी और को दिया है। स्वयं के पास वह सब है, छिपे हुए अर्थों में, बीज रूप में, जो किसी के पास भी प्रकट हुआ हो सकता है, किसी राम के पास, किसी बुद्ध के पास, किसी महावीर के पास, किसी गांधी के पास या किसी साईं बाबा के पास। जो भी प्रकट होता है वह बीज रूप में हर आदमी के पास पहले से ही छिपा हुआ है। और ओशो कहते हैं कि जब मैं यह कहता हूं कि उन्हें छोड़ दो, तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जिनको मैं छोड़ने को कहता हूं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उनसे आखिर मेरी क्या दुश्मनी हो सकता है? जब मैं कहता हूं कि उन्हें छोड़ दो, उनसे मेरी कोई बुराई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यह कहता हूं कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास करो, श्रद्धा करो। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्हें छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें पकड़े हो तब तक अपने आप को जान पाना असंभव है। इस विषय में ओशो के एक सन्यासी मनसा आनंद मानस इसकी प्रतिक्रिया में अपने ब्लॉग पर लिखते हैं कि हर युग में जागृत पुरुष के साथ ऐसा होता आया है कि वह अपना फोटो खींचने को मना करता है, मूर्ति बनाने को ना कहता है, लेकिन लोग उसकी नहीं सुनते हैं, फोटो भी उनके साथ खिंचवाते हैं और उन्हीं की मूर्तियां बनाकर उनको पूजते हैं। हम सोए हुए लोग हैं, हमारा जीवन नींद और तमस से भरा हुआ है। थोड़ी बहुत तंद्रा जीवित गुरु के सामने टूटती है और फिर हम करवट लेकर के सो जाते हैं। मजेदार बात यह है कि यह नींद बड़ी मीठी और गहरी है, बड़ी प्यारी है, बिल्कुल वैसे ही जब आप सुबह उठकर और दोबारा सो जाते हैं। तो यही हाल बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के संग भी, बुद्धत्व प्राप्त लोगों का भी हो जाता है। आप उनके हजारों शिष्यों को इतनी गहरी तंद्रा में पाओगे जितनी कि उनमें पहले नहीं थी। ओशो के बारे में वह लिखते हैं कि जब ओशो को उन्होंने देखा कि ओशो को फोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता था, और जहां तक मैं समझता हूं ओशो के जितने फोटो खींचे गए हैं शायद ही किसी धर्मगुरु के या किसी संत के फोटो उतने खींचे गए हों। हर रोज 2 घंटे का फोटो सेशन ओशो का होता था। अब उसमें क्या रहस्य था और क्या ये सब ओशो क्यों करते थे, उस रहस्य को तो उनके सन्यासी नहीं जान पाए, उनको नहीं छू पाए। हमने तो बस इतना जाना कि जो गुरु कह गया है उसका विरोधाभास करना है। शायद गुरु के सामने हम थोड़े दब्बू होते हैं या उसके सामने, उसके तेज के सामने हम ठहर नहीं पाते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद तो हम वह सब कर ही सकते हैं जो करने के लिए उन्होंने मना किया था, जो हम करना चाहते हैं। आज ओशो की फोटो ओशो टाइम्स या यश ओशो जैसी पत्रिकाओं में शायद ही 1 या 2 फोटो रहती होगी जो छपती है, और आश्रम में भी फोटो ओशो की समाधि पर जो लगी हुई है जिसे कोई चाह कर भी नहीं हटा सकता, क्योंकि ये फोटो ओशो के करोड़ों फोटो में से एक खुद फोटो ओशो चुनकर गए थे। आप इस फोटो को जब भी देखेंगे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। ऐसी क्या बात है इस फोटो में, पर आप और एक भी फोटो आश्रम में कहीं नहीं ढूंढ सकते हैं।
जब आश्रम में कहीं फोटो लगनी ही नहीं थी, उनकी पत्र पत्रिकाओं में कोई फोटो छपनी ही नहीं थी, तो यह समझना मुश्किल है कि वे इतने फोटो क्यों खिंचवाते थे। मेरे लिए आज भी यह समझना मुश्किल है, और यह एक पहेली है। जब तक तुम दूसरे को पकड़े हो, तब तक अपने आप को नहीं जान सकते। मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा अपने प्रति अविश्वास, कमजोरी और कायरता की ही निशानी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।